हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये बजाज मैक्सिमा गाड़ी है, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ भाई, बजाज मैक्सिमा। और इस गाड़ी के अंदर आज क्या प्रॉब्लम है कि एकदम से इस गाड़ी की आवाज़ चेंज हो रही है, जैसे प्रेशर सा टूट गया, फट फट की आवाज आ रही है, जैसे कोई हेड वगैरह लीक हो, मतलब लीक की आवाज़ इसके अंदर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे अगर आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज़ आती है तो। जा एक बार स्टार्ट करगा, एक बार पहले हम इसकी आपको स्टार्टिंग दिखा देते हैं। स्विच ऑन रखना ऑन है भाई इसका, क्योंकि एक बार ये हीटर स्टार्ट होगा फिर जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। स्विच हमने लगा रखा था, करिए भाई स्टार्ट। ये हीटर लेगी फिर जाके गाड़ी स्टार्ट होगी, इसमें टाइमिंग रहती है, एक से डेढ़ मिनट के अंदर ये हीटर ले लेती है। करिए स्टार्ट है। देखो भाई जैसे फट फट की आवाज आ रही है इसके अंदर, कर दे बंद। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज आए तो आपने क्या करना भाई, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले आपने गाड़ी के हेड को बाहर निकाल लेना भाई। देखो हमने इस गाड़ी के हेड को बाहर निकाल लिया, और इसकी गैस्केट जो हेड की गैस्केट होती है वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की आवाज़ चेंज हो गई थी। मोस्टली बजाज की सभी गाड़ियों में अगर आपकी ऐसी आवाज़ चेंज हो तो आप सीधा सीधा भाई हेड गैस्केट चेंज कर दे, और आपने अच्छी कंपनी की यूज करनी है ओरिजिनल। और इसको लगाने का तरीका क्या है भाई, पहले तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना, दिखाइए पर मिस्त्री। देखो भाई ये गैस किट होती है जो कि इंजन को और हेड को अटैच करती है, सांस अगर लेगी गाड़ी, सांस अगर लेगी तो इसी वजह से लेगी अगर ये कट जाएगी तो। और ये इसका पिस्टन है भाई, इसको आप ऊंचा मत रखना, इसको नीचा ही मतलब सेम रखना बराबर, तब जाके इसकी फिटिंग होगी। अगर ये ऊंचा हो तो इसको पूरी को घुमा लेना कैसे भी करके। और जो तरीका भाई हम फिटिंग का बताएंगे, आपने मोस्टली देख तो लिया कि हमने इसको गाड़ी को कैसे खोला है, और जो हम फिटिंग का तरीका बताएंगे उसी तरीके से आपने फिट करनी है, और उसी तरीके से आपने इस गाड़ी को खोलना है भी। पहले पूरी वीडियो वॉच करनी है अगर आप हेड गैस्केट चेंज करें तो। चल भाई आ गया, मैं इस साइड आ गया। चलो देखो भाई इस तरीके से आपने इसको लगाना है,
बड़ा ही आसान तरीका भाई, आपने बस खोलने की मेहनत लगेगी आपकी, और खोलने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये काम जब भी करे भाई गाड़ी को ठंडी करके ही करे, क्योंकि अगर गर्म गाड़ी होगी तो गाड़ी तेल कम करने लग जाएगी, रिंग डाउन हो जाते हैं। और इस पे नीचे भी हमने ग्रीस लगा दिया, ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। आप यहाँ पे राजीव बॉन्ड भी लगा सकते हो भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है, अलग अपना अपना मेथड होता है। हम यहाँ पर ग्रीस का यूज करते हैं, थोड़ा सा अच्छी कंपनी वाला ग्रीस यूज करते हैं हम, जेल वाला। इस ग्रीस को भाई आप पैकिंग पे ही रखे, इसको साफ जरूर कर लेना कभी। देखो यहाँ पे जैसे लग रहा है कॉर्नर वगैरह भी, इनको अच्छे तरीके से साफ करके ही इसको फिट करना है। कर ले, साफ कर दे सारा, थोड़ा सा भी नहीं रहना जी। और ये पुरानी गैस किट देखो, यहाँ से कटी हुई है। हाँ ये देखो यहाँ से कटी हुई भाई, अगर ये कट जाती है हमारी तो गाड़ी आवाज चेंज कर देती है, मतलब लोड सा नहीं लेगी गाड़ी, आवाज चेंज होगी फटफट की, जैसे कहीं ना कहीं कोई नट लूज है, जैसे हेड के नट लूज हो जाते हैं ना ऐसे। और जो तरीका भाई इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से भाई आप घर बैठे हेड गैस किट चेंज कर सकते हैं आपकी गाड़ी की। तो भाई एक बार इसका तेल निकल रहा था, हम इसको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा निकाल देंगे ताकि यहाँ पर तेल ना आए। तो भी देखो इस तरीके से आपने सीधा का सीधा इसको फिट करना है। चलो भी कर दो फिट, पाइप वगैरह अड थी, चल फिल्टर तार अड हो गया फिट है। नट तो कट रहा है, चल कर फिट ही, बस आ गया फिट है। तो भी इस तरीके से आपने इसको फिट करना है, और ये वाला नट लगा देना भाई, हेड वाला नट, ये टाइट कर देगा। यो नट है पूरा लाए एक साइड, चल भाई कर सारे नट लगा दे। तो भाई जो तरीका हम फिटिंग का कर रहे हैं उसी तरीके से आपने गाड़ी को खोलना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करे। अदरवाइज आपको कुछ भी पूछना हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन सभी नटों को टाइट करना, टाइट करने का तरीका बताएंगे हम आपको। आमने सामने नट टाइट होंगे तो भाई, जैसे ये टाइट होगा तो वो टाइट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, आमने सामने एक नट को टाइट करना आपने, बस ज़्यादा ना करें। वो और दिखा दे वर्कर का है भाई, ये फिर ये वाला भाई, और फिर ये वाला, और फिर वो ऐड वाला नट हम टाइट करेंगे। इन चारों नटों को टाइट करने के बाद अच्छे तरीके से एक बार पूरा जोर लगा दे भाई आप, इन नटों को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। ये फ्री नहीं होने चाहिए, अगर फ्री होंगे तो भाई आपने डॉक्टर वगैरह लगाना है। अब इसकी फिल्टर बंद करेंगे हम। ये दो नट होते हैं भैया, ये वाला बैक प्रेशर। तो दोस्तों फिल्टर बॉडी बंद करनी है आपने, और अटाई पर ये होस पाइप भाई, इसको टाइट कर दे, टाइट तो दे। हाँ इसको पूरा लगा के टाइट कर दे, ये भी लगाना भैया आपने। और जब खोलोगे भैया आपने यही खोलना दोनों चीज। तो दोस्तों ये काम कंप्लीट करने के बाद हमने इसके टप्पट बेड़नी है भाई, तोते सेट करने इसके और रोकर। तो भाई सबसे पहले तो आपने बंसरी और फिर रोकर, एक बार इनकी सेटिंग चेक कर रहे थे हम, लभी लगा इनको बंसरी को कैसे लगाया जाएगा, इनको भी अच्छे तरीके से एक बार लाइट लगा के आप जरूर चेक करें। फिट है, नहीं फिट है भाई। और अब रोकर सेट को हम सेट करेंगे इसके अंदर, इनको टापट भी बोल देते हैं और तोते भी बोल देते हैं और रोकर सेट भी बोल देते हैं। और यहाँ पे आपने नोजल लगा देनी है भाई इसके बाद, देखो इस तरीके से इनको टाइट करना है। और ये नोजल की भाई पाइप लगा देना आप, और यहां से रोकर सेट के नट को टाइट कर देना, और फिर ये प्लेट लगा देना भाई जो आपके नोजल को नीचे रखेगी। तो भाई इनको आप पूरा टाइट कर दे ताकि नोजल नीचे की तरफ बैठ जाए, और नोजल देखो इस तरीके से बैठा देनी है आपने, पर पूरी टाइट कर दिया इनने। इन नटों को भी आप ध्यान से टाइट करें भाई, ये टूट जाते हैं और आपका काम बढ़ जाएगा। और ये टापट भाई जब आप रोकर सेट को मिलाएं, इनको अच्छे तरीके से पुलर से मिलाना पड़ेगा, ये ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए भाई। जैसे हम BS3 BS4 का तरीका होता है, तरीका सभी में सेम होता है, लेकिन पार्ट के आकार बदलते रहते हैं भाई। इनमें रोकर सेट का आकार अलग है और इनको मिलाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। देखो इस तरीके से मिलानी है,
और नीचे से जो हमारी बंसरी हमने डाली है वो फ्री होनी चाहिए भाई, और यहाँ से ज्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए बस। और उसके बाद टाइट कर दें, और जो हमने इसका साइलेंसर बैंड खोला था भी उसके भी हम नट लगा देंगे अच्छे तरीके से। कुछ भी पूछना होनी भाई आप हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना अगर आपके इस काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और ये जो काम किया भाई हमने, ये कोई जोर का काम नहीं है, ये सारा माइंड का काम है, माइंड से ही काम करें आप, ज़्यादा जोर मत लगाएं। और ये वाली टापट और मिला देंगे हम, देखो कर दे भाई टाइट। देखो भाई यहाँ से ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, और नीचे से जो बंसरी है देखो ये वाले, ये देखो ये फरी होनी चाहिए, दोनों इसकी फरी हैं। और अब ऊपर से डेबरी को हम टाइट कर देंगे। इस चैनल पर भाई जेन्युइन कंटेंट मिलेगा आपको, फेक कंटेंट नहीं बनाते भाई ना, कोई फेक काम करते हैं, जो भी काम करते हैं जेन्युइन काम करते हैं, सॉलिड काम करते हैं। ये हीटर वायर है भाई, आपने ये भी लगानी है, यहाँ से हमने इसको खोला था और इसको हम टाइट कर देंगे, क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट होगी पहले हीटर लेके स्टार्ट होगी। ये गाड़ी बजाज गाड़ी का ये रूल होता है, ये जब भी स्टार्ट होगी पहले हीटर लेगी फिर जाके स्टार्ट होगी। और यहां से इस तार के क्लिप को हम बंद कर देंगे जो हमने खोला था। हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब टापट कवर इस लगाने से पहले आपने राजीव बोन लगाने हैं। और जहां तक हो अभी इसकी पैकिंग को आप चेंज ही करें, ये पैकिंग फट जाती है, और इसको हम फिट कर देंगे। अब कर दे भाई सारे नट लगा दे इसके, कितने नट है, 3 नट हो गए, कर दे भाई टाइटे बस जल्दी जल्दी फटाफट। तो भाई टापट कवर हमने टाइट कर दिया, यहाँ पे हमने चौक का स्प्रिंग लगा देना, क्योंकि अगर चौक देना होगा तो स्प्रिंग इसको बाल को खींच लेगा इसको, और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे अभी आपको, और आवाज दिखाएंगे खत्म हुई है नहीं हुई। तो भाई हाँ लगा दी पाइप, ये नोजल की पाइप जरूर चेक कर ले भाई, आपने डीजल की पाइप लगाई है नहीं लगाई है, चाबी लगा के भाई गाड़ी का हीटर दे देना आपने, गाड़ी का हीटर पूरा काम करने दे। ले भाई इस गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, आवाज देखो भाई इसके बाद जो फट फट की आवाज आ रही थी चेंज हो रही थी, खत्म हुई है ना हुई, देखो। तो दोस्तों ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप भाई अपना प्यार जरूर दिखाएं।